गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। और बच्चों कैसे हो इस समय? सब ठीक से होंगे ना? मे बी, और एकदम ठीक से रहिएगा। आप सभी जान रहे हैं, आप लोग तो बड़े हो गए ना, तो आप सभी जान रहे हैं कि इस समय क्या माहौल चल रहा है। एक तो ठंडक और ऊपर से बेटा जो महामारी फैली हुई है, सबको पता है कौन सी महामारी फैली हुई है ना। तो इस समय जो कोरोना की महामारी फैली हुई है उसके साथ साथ ओमिक्रॉन भी ना, तो हमको क्या करना है बेटा, इन सब का प्रिकॉशन करना है। इस प्रिकॉशन में आपको क्या करना है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, हमेशा सैनिटाइज़र का उपयोग करना है बेटा, और उसके साथ साथ मास्क लगाएंगे तथा बाहर भी कम निकलेंगे ना। और उसके साथ साथ लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए कि एकदम हाथ पैर बांध के भाई मैम बोली बाहर ना निकलिए, मैम बोली ये करने के लिए, तो एकदम पढ़ाई छोड़ दे, नहीं ना। तो हम लोगों को इसके साथ साथ बेटा पढ़ना भी है, तो ठीक। तो हम लोग सबको पता है कि मैम कौन सा लेसन चला रही थी, लेसन 14 ना, थॉमस एडिसन। इसको हम लोगों ने अच्छे से बता दिया था और अच्छे से पढ़ा भी दिए थे ना कि थॉमस एडिसन कौन थे, उन्होंने किसकी खोज की थी और वो कैसे महान वैज्ञानिक बने थे, ठीक है बेटा। और सब क्या क्या उन्होंने अपने थॉमस एडिसन बनने में, वैज्ञानिक बनने में उन्होंने कितनी दिक्कतों का सामना किया था, तो आप सबको पता चल गया है ना। अब ये एक बार पूरा लेसन रिवीजन कर दिए हैं, अभी हम लोगों को कहाँ चलना था, इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो बेटा इसका क्वेश्चन आंसर क्या था, हम लोगों का वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने लिखा दिया था ना। देखिए वन वर्ड क्वेश्चन आंसर सबका कंप्लीट होना चाहिए, कि वन वर्ड क्वेश्चन आंसर सभी लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर जो बच्चे नहीं उस समय एब्सेंट थे या नहीं आए थे तो वो अपना कंप्लीट कर लेंगे। और एक बात बेटा ध्यान से सुनिएगा सब, जो बच्चे अपनी कॉपी यहाँ पे छोड़े हैं, छुट्टी होने के पहले नहीं ले पाए थे, तो वो पेरेंट्स के साथ आके या खुद भी आके अपनी कॉपी लेते जाइए ना, और कॉपी ले जाके फिर जो भी वीडियो कराया जा रहा है उसको पूरा कर लेंगे अच्छे से, ठीक बेटा। क्योंकि आपका होमवर्क भी यहाँ पे चेक होगा और हर सैटरडे आपकी कॉपी मंगाई जाएगी कि आपको क्लास वर्क क्या मिला है और आपको होमवर्क क्या मिला है, तो इसको पूरा कंप्लीट करना है अच्छे से। वीडियो देखते रहिएगा तभी आपकी अटेंडेंस भी पूरी होगी, नहीं तो आप कहेंगे कि मैम मेरी अटेंडेंस ही नहीं हुई, ठीक है बेटा। तो अब चलते, देखें ये सब समझा दिए, ये सब बार बार नहीं आपको बताया जाएगा। बुक कॉपी तो ज़रूर आके ले लीजिए, जिन जिन बच्चों की कॉपी यहाँ पे छूटी हुई है, कॉपी चेक हुई है, कॉपी आके सब लोग ले लेंगे अपनी, ठीक। अब चलते हैं हम लोग, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही इसको लिखवा दिए थे, एक बार हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा आंसर लिखवाएं अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे। देख लीजिए थॉमस एडिसन कहाँ का रहने वाला था, तो सबको पता है थॉमस एडिसन कहाँ का रहने वाला था, बताइए। थॉमस एडिसन अमेरिका का रहने वाला था। सेकेंड क्वेश्चन आइए, एडिसन ने किस वस्तु की खोज की, तो एडिसन ने बल्ब, बिजली का पंखा, ग्रामोफोन की खोज की थी। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आइए, एडिसन ने अखबार बेचना कब शुरू किया, तो एडिसन ने 12 वर्ष की आयु में अखबार बेचना शुरू किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, रेलगाड़ी में क्या गिर जाने से आग लगी थी, सबको पता है ना क्या गिर जाने से आग लगी थी, रेलगाड़ी में फास्फोरस गिर जाने से आग लगी थी। फास्फोरस कहाँ का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आप लोग बताए थे ना, किसमें, माचिस की तीली में जो ऊपर रोगन लगता है, ठीक बेटा। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट कराया था एकदम अच्छे से। अब चलते हम लोग निम्न प्रश्नों के उत्तर, ये बुक का आपका क्वेश्चन आंसर है, तो बुक का क्वेश्चन आंसर एकदम अच्छे से आप लोग क्वेश्चन बुक में से देखेंगे, आंसर हम दे रहे हैं उसमें से देख के इसको पूरा कंप्लीट कर डालेंगे कॉपी में, ठीक है। एडिसन की माँ उसके बारे में क्या सोचती थी, तो एडिसन की माँ उसके बारे में सोचती थी कि वह बड़ा होकर जरूर महान व्यक्ति बनेगा। क्या बनेगा बेटा, वह बड़ा होकर जरूर महान व्यक्ति बनेगा। सेकंड देखिए, एडिसन का पूरा नाम क्या था, एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। क्या नाम था बेटा, थॉमस अल्वा एडिसन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एडिसन ने किन चीज़ों की खोज की थी, तो एडिसन ने बल्ब, पंखा, ग्रामोफोन, टाइपराइटर और बिजली के इंजन आदि चीज़ों की खोज की थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन आइए, एडिसन ने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया, एडिसन का मन पढ़ने में नहीं लगता था, इसलिए उसने क्या किया, स्कूल जाना छोड़ दिया ना। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से देखिए क्या है, एडिसन की माँ उसके बारे में क्या सोचती थी, एडिसन की माँ उसके बारे में सोचती थी कि वह बड़ा होकर
जरूर महान व्यक्ति बनेगा। एडिशन का पूरा नाम क्या था, क्या नाम था पूरा बेटा, एडिशन का पूरा नाम क्या था, पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिशन था। एडिशन ने किन चीज़ों की खोज की थी, एडिशन ने बल्ब, पंखा, ग्रामोफोन, टाइपराइटर, बिजली के इंजन आदि की खोज की थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एडिशन ने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया था, एडिशन का मन पढ़ने में नहीं लगता था इसलिए एडिशन ने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये नीचे की जो इसलिए के बाद लिखा बेटा वो नेक्स्ट पेज पे था तो वो नहीं वो कैमरे में आ पाया, तो आप लोग उसके बाद ये लिख लेंगे ठीक है, इसलिए एडिशन ने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्यों ना लिख के बाकी सब क्वेश्चन में से लिख लेंगे। एडिशन का मन पढ़ने में नहीं लगता था इसलिए एडिशन ने स्कूल जाना छोड़ दिया, क्यों को नहीं लिखेंगे ठीक है बेटा। और उसके बाद इस लेसन को पूरा वन वर्ड और ये ब्रीफ आंसर दोनों क्या करेंगे, एकदम अच्छे से लर्न कर डालेंगे। यही आपका होमवर्क है, समझ में आ रहा है बेटा। ओके बाय।